सबको उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक में जब मैं देखता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाओं का लाभ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में चाहे वह प्रत्येक परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, सौभाग्य योजना में चाहे वह प्रत्येक परिवार को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने की कार्रवाई, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य, या फिर किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की नीति लाकर के MSP से अधिक दाम किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इसे लागू करने का कार्य किया। हमने कोई भेद नहीं किया। प्रदेश में 17% मुस्लिम है लेकिन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला 30%, यानी 17% मुस्लिम आबादी को लाभ मिलता है 30% हिस्से का। ये प्रदेश की वर्तमान की लोक कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है, क्योंकि ये योजनाएं किसी तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ी। इन योजनाओं का आधार व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं था। इनका आधार था गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज का प्रत्येक तबका जो आजादी के बाद से लगातार योजनाओं से वंचित रहता था। हमने उन्हें इन योजनाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई का हिस्सा बनाया और आज यही अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। वह कार्य मोदी है तो मुमकिन है, इस वाक्य ने करके दिखा दिया है। भाइयों बहनों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। दूसरा, सदियों से नारी सशक्तिकरण की मांग तो उठती थी, कितना कार्य हो पाता था हर व्यक्ति जानता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ध्यान रहा हो, हर गरीब परिवार को बिना भेदभाव के उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर हर गरीब परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई, आपने देखा होगा बिना भेदभाव के योजना सबको मिली। और यही नहीं, सदियों से नारी गरिमा के नाम पर सबसे बड़ा कलंक हुआ करता था 3 तलाक की कुप्रथा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके खिलाफ भी एक्ट बना करके मुस्लिम महिलाओं को पूरी सशक्तिकरण देने का कार्य किया है और इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, समाज में खुशहाली सर्वत्र होनी चाहिए तब खुशहाली मानी जानी चाहिए। हमारे शरीर का कोई एक अंग अगर कार्य करना बंद करता है तो शरीर पूर्णांग नहीं दिव्यांग कहलाता है, और यही स्थिति समाज की भी है। हमने समाज को अपनी योजनाओं का लाभ गरीबी के आधार पर दी। देने की कार्रवाई, हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, जूता, मोजा, स्वेटर, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई जो की जा रही है, एक कार्रवाई इसलिए की जा रही है जिससे गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह भी अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ देश को दे करके विकास की योजनाओं में आगे अपना योगदान देगा। उन्हें निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। क्या हमने किसी के जाति, किसी का मत और मजहब देख करके प्रवेश कराया है? नहीं। प्रदेश के अंदर नौकरियां, 2,25,000 नौजवानों को हमने अब तक सरकारी नौकरी दी है, और कोई नहीं कह सकता कि किसी भी नौकरी में किसी भी व्यक्ति से कहीं भी कोई पैसा लिया गया हो, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उस बेमान और भ्रष्ट व्यक्ति को जेल के अंदर भेजने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों,
इसी प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें हुआ करती थी, गरीबों को राशन नहीं मिलता था, लोग परेशान होते थे। आज हमने ई पॉस मशीन दे दी है, आज हर गरीब को यह सुविधा दे दी है, वे किसी भी दुकान में जाकर के अपना खाद्यान्न ले सकता है और हर एक गरीब को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यह कार्य सरकार कर रही है, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण दिया है। गुंडे अपराधी माफिया प्रवृत्ति के तत्व या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश के बाहर हैं, और अगर किसी ने पुलिस से लड़ने का दुस्साहस किया उसको यमलोक की यात्रा में भेजने का कार्य भी हुआ है, कोई संकोच उसमें भी नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा इसी प्रदेश में पहले गुंडे सिर चढ़ करके बोलते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, राज चलती हुई पांच बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, अराजकता फैलाते थे। आज इस प्रकार की अराजकता पूरी तरह बंद हुई है और प्रदेश के अंदर निवेश हो रहा है। प्रोडक्ट में हमने प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को पहचान दी, इससे जुड़े हुए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया, आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनके लिए तमाम योजनाओं को लागू किया। अराजसी का परिणाम है कि रामपुर का चाकू एक बार सुना देश और दुनिया के अंदर सिर चढ़ करके बोलेगा, लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देगा। लेकिन भाइयों बहनों, याद रखना, तलवार अगर पात्र व्यक्ति के हाथ में होगा तो वह गरीबों की जमीन को हड़पने का कार्य करेगा। ये तलवार अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में होगा तो वह गरीबों के हक पर जबरदस्ती डकैती डालने का कार्य करेगा। अगर इस तलवार गलत हाथों में होगी तो फिर यह तलवार लोगों के हक पर छीना झपटी करने का कार्य करेगी। यह तलवार अपात्र लोगों के हाथों में होगी तो फिर यह चाकू वहां पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार का जरिया बन जाएगा। लेकिन यही तलवार और यही चाकू जब पात्रों के हाथों में होगी तो यह सुरक्षा का कार्य करेगी और समृद्धि को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और रामपुर वासियों से मैं इसी सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन की अपील करने के लिए आया हूं। आप चिंता मत करिए, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी, एक कार्य हमारी सरकार करेगी। बिना भेदभाव के विकास किया गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं अब तक पहुंचाई गई हैं और बिना भेदभाव के योजनाएं आगे भी चलेंगी। लेकिन इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है आपकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे। ये परिवारवाद, ये जातिवाद, एक मत और मजहब के आधार पर विभाजन की कार्रवाई या न केवल विकास के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य में भी बाधक है, उनके विकास में भी बाधक है। और इस परिवारवाद की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करिए। यही अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं कि रामपुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है कि रामपुर से चुना गया प्रतिनिधि वास्तव में जनता के बीच का व्यक्ति हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने में परहेज होता हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति से बात करने में परहेज होती हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ कार्य करने में परहेज हो, उन लोगों को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। आम जन की आवाज के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ नागरिकों को देने वाला व्यक्ति और ईमानदारी के साथ हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति ही सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए। यहाँ के गरीबों की जमीनों को हड़पने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर अराजकता और गुंडागर्दी के नाम पर शासन की योजनाओं को जबरन डकैती डालने
बल्कि विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर ले जाकर के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, मानवता के कल्याण से बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए समर्पित होकर के कार्य करती है। हमने बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं दी। जब प्रदेश में 25 लाख गरीबों को एक एक आवास मिलता है, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध होता है, 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को रसोई बिजली के निःशुल्क कनेक्शन और 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध होते हैं, जब प्रदेश के 3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000, 4000 और 6000 रुपए की राशि उनके खाते में आती है, जब हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्राप्त होती है, तब हमने किसी की जाति, किसी का परिवार, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। तब हमने गरीबी को आधार बनाकर के योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया। जब स्कूल चलो अभियान में हर गरीब बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सरकार योजना बनाती है, 2.5 वर्ष के दौरान 50 लाख नए बच्चों को प्रवेश कराने में प्रदेश की हमारी सरकार ने सफलता प्राप्त की, और इन 50 लाख बच्चों समेत पहले से प्रदेश के विद्यालयों में जो 1 करोड़ 34 लाख बच्चे